दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि संडे और सेकंड सैटरडे इंडिया में हॉलीडे क्यों देते हैं? अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए। क्या आपको पता है कि सबसे पहला कैमरा कब डिज़ाइन हुआ था? इसे 1816 में जोसेफ नाइसफर ने डिज़ाइन किया था। जैसे अभी हमारा जो फ़ोटो प्रिंट होता है वो एक मोटे से पेपर में प्रिंट होता है, तो उस समय वो पेपर नहीं था, तो इसलिए उन्होंने सिल्वर क्लोराइड के कोटिंग वाले एक पेपर पर फोटो को प्रिंट किया था। चलिए अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले होमवर्क का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट नेविल ने सबसे पहले होमवर्क का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। 1905 में इनके स्टूडेंट्स ने कुछ मिस्चीवियस थिंग किया था, इसीलिए उनको पनिशमेंट के तौर पर इन्होंने होमवर्क दिया था। अब वही पनिशमेंट हमें भी मिलती है। दोस्तों आपने एक पेन को तो देखा ही होगा, आपने उसे यूज़ भी किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहला बॉल पॉइंट पेन किसने इंट्रोड्यूस किया था? लेस्लो बीरो ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। इसे अक्टूबर 30, 1888 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक हंगेरियन न्यूज़पेपर एडिटर थे और इनके भाई की मदद से इन्होंने और कई अलग अलग तरीके के बॉल पॉइंट पेन भी बनाए, क्योंकि इनके भाई जॉर्ज ये एक केमिस्ट थे। दोस्तों क्या आपको पता है कि सेकेंड सैटरडे हॉलीडे क्यों होता है? दरअसल जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनका एक असिस्टेंट था, तो असिस्टेंट जब छुट्टी होता था तभी ही अपने पेरेंट्स से मिलने जा सकता था। तो धीरे धीरे काम का बर्डन बढ़ता गया उस ब्रिटिश असिस्टेंट के ऊपर, तो ब्रिटिश ऑफिसर को लगा मतलब ये तो कभी जाता नहीं अपने घर, तो ये सोच रहे थे ब्रिटिश ऑफिसर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो ब्रिटिश ऑफिसर के असिस्टेंट के पेरेंट्स आकर वो ब्रिटिश ऑफिसर से कहे कि मतलब हमारा लड़का हमसे मिलने नहीं आ पा रहा है, तो एक दिन उसे छुट्टी दे दो करके, तो ये इनको बहुत दुख लगा कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल नहीं पा रहा है करके। इसीलिए यही चीज़ सभी असिस्टेंट के साथ हो रहा होगा ये सोचकर उन्होंने सेकेंड सैटरडे को एज अ हॉलीडे डिक्लेयर करवा दिया। फैक्ट नंबर वन से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकें। तो हमारा फैक्ट वन ये था कि क्या आपको पता है कि संडे को ही इंडिया में हॉलीडे क्यों होता है? तो जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो वहाँ के मिल के पास जो वर्कर्स थे उन्होंने ये डिमांड किया कि हमें हफ्ते में एक दिन हॉलीडे चाहिए। मतलब वो पूरे हफ्ते के सातों दिन वर्क करते थे मिल में, तो ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने बताया कि हमें एक दिन छुट्टी चाहिए। तो ब्रिटिश ऑफिसर ने बहुत दिन सोचा समझा देना है नहीं देना है, ऐसा सोच के उन्होंने 10th जून 1890 को डिक्लेयर कर दिया कि संडे हॉलीडे देना है। लेकिन उन्होंने सोचा कि जैसे हमारे मिल के वर्कर्स इतना प्रॉब्लम्स आ रहा है मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वैसे ही और बाकी वर्कर्स भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। तब जैसे ब्रिटिश रूल के और कई सारे वो थे, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, वैसे कई सारे डिपार्टमेंट थे, तो इन्होंने उनको भी बताया कि एक दिन ऐसा हॉलीडे देना है करके। इसलिए तब से लेकर आज तक हर संडे को हॉलीडे दिया जाता है।